जैसे आम दोस्तों, मैं खड़ा हूँ 13,000 फीट की ऊंचाई पे जहाँ ऑक्सीजन कम है, और मेरे सामने आप जो देख रहे हैं इसे ही डल झील कहते हैं, और ये है हमारे मणि महेश्वर धाम, यहाँ से भोलेनाथ जी का धाम इसे ही कहते हैं। इसे देखने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं, और ये झील मानसरोवर के बाद सबसे फेमस झील मानी जाती है हिंदू धर्म के हिसाब से। अब हम यहाँ पर ठहरेंगे और थोड़ी देर बाद हमारे दोस्त और हम लोग नहाने जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे कैमरा मैन है राजेश जी, अभी ये देखो नहा रहे हैं, अब इनकी खुद की आवाज़ सुनिए कितने अच्छे से बोलेंगे, कितनी ठंड में ये तड़प रहे होंगे, ये नहा भी रहे हैं। और एक, दो, तीन, चार, वे सिर पे डालो, सिर पे, ये नहीं अच्छी हुई, वो डालो, एक वो डालो, सात पूरी करो, सात तो कैसा लग रहा आपको? छोटी वाली क्यों ले रहे? 8, 9, 10, एक और 10 जोड़ा नहीं होता है, जोड़ा नहीं होता, कसम से नहीं होता जोड़ा, 11 कर दो, 11। तो कैसा लग रहा है अभी, कैसा लग रहा है, मजा है? कैसा पानी, ठंडा है, गर्म है? तो 11 पूरी करके आ जाओ जल्दी, 10 ही हुई है ना। हम जिस चीज़ के दर्शन करने के लिए चले थे, अब हमें उस चीज़ के दर्शन हो रहे हैं, और इसे मणि महेश धाम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सब जब सूरज उगता उस थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक मणि की तरह सूरज चमक रहता है, इसीलिए हमें इसे मणि महेश धाम कहते हैं। और ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है, मुझे तो दिल रुक गया, मैं तो चाहता हूँ आप भी ये नज़ारे देखिए, बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा है। मेरे तो सामने जितने भी आए ना, सारे श्रद्धालु जन खुश हो गए, नाच रहे हैं भाई मेरे सामने, आमने वाले तो खुश हो गए बहुत ज़्यादा, मैं खुद भी खुश हूँ भाई, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा कहीं और देखने को मुझे मिला भी नहीं है। और इसकी चढ़ाई भी बहुत कठिन है, अमरनाथ जितनी चढ़ाई है, लेकिन ये जो नज़ारा दिखा ना भाई, इसने मेरा दिल मेल्ट कर दिया पूरी तरह से यार, पिघल गया मैं तो यार, जो भी कुछ भी कहो ना, सब कुछ हार गया, मैं सब कुछ हार गया भाई। ये नज़ारा देखो, सबसे ब्यूटीफुल नज़ारा है भाई, जहाँ तक मैं गया हूँ ना अमरनाथ केदारनाथ, इन सबसे ब्यूटीफुल नज़ारा ये मुझे लगा, क्योंकि इसकी जब भी सूरज उग रहा है ना, सिर्फ मड़ी यहीं चमक रहा है, जैसे भगवान शिव के ऊपर में चंद्रमा चमकता है ना, बिल्कुल वैसे ही चमक रहा है, इतना प्यारा लग रहा है मुझे यार। मैं कहता हूँ मैं हर बार यहाँ घूमने आऊँगा भाई, और मैं आपको भी बोलूँगा आप यहाँ पर घूमने जाइए भाई, अगर आपका भी तकलीफ में हो तो भाई यहाँ घूम पे, कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम उनकी टेंशन तो दूर हो ही जाएगी, और आपको ये नज़ारे जो मिलेंगे देखने के लिए प्राकृतिक, इतने प्यारे हैं नज़ारे यार। क्या बताओ, मेरा दोस्त खुश हो गया, मेरे दोस्त यहाँ नच भी रहा है, ये देखो हार करके बता भी रहा है भाई। मैं खुश भी हूँ, काफ़ी दिन से चल रहे हैं पैदल हम लोग, कम से कम नहीं चल रहे हैं तो 5 दिन 10 दिन 5 दिन हो गए हम लोग जब से पैदल चल रहे हैं, और ये देखो हमारे झुंड के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और यहाँ पर टेंट लगा के हम लोग रह भी रहे हैं, और हेलीकॉप्टर लैंडर होता है, ये देखो नज़ारे इतने प्यारे हैं ना, आपको आपका मन मोह लेंगे, इतने प्यारे नज़ारे हैं। आप यहाँ पर घूमने आइए कभी भी, ठंड भी बहुत आएगी, ठंड का लेके आइए, लेकिन देखिए आप थोड़ा इतना नज़ारा बसता है भाई।